दोस्तों मुनव्वर और मनारा ने यहाँ विक्की का जो गेम प्लान एकदम से ख़राब कर दिया है, आप ऐसा कह सकते हैं। उस पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर देते हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि यहाँ देखने को मिलता है कि मनारा जो है ज्ञान देती है, या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ समझाती हुई नज़र आ रही हैं अरुण को, क्योंकि यहाँ वो जो है कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि चंगुल में फंस रहे हैं यहाँ विक्की के में, और विक्की के चंगुल में जो फंस रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर भी है। इससे पहले यहाँ मुनव्वर ने भी उनको समझाया था कि भाई आप अपनी पर्सनैलिटी को सबसे ऊपर रखें, आप अपनी पर्सनैलिटी दिखाने की कोशिश करें, और वही यहाँ मनारा भी कह रही है कि भाई आप अपनी पर्सनैलिटी को दिखाओ, आप अपने लिए इस गेम में आए हो, विक्की के लिए नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है विक्की से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हो। आप आगे आने वाले दिनों में सना की तरह मत बन जाना। सना जिस तरीके से कंफर्मेशन लेने के लिए सबके पास जाती है कि वो सही है या फिर नहीं है, ऐसे ही कहीं आप मत चले जाना। आपकी जो पर्सनैलिटी है आप उसे सही से दिखाएं, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। विक्की जो है मुझे अपने चंगुल में फंसाना चाह रहा था पहले हफ्ते में, यहाँ बिग बॉस ने फिर मुझे समझाया कि मनारा आप गलत जा रही हो। उसके बाद मैं समझी और मैं जो वहाँ से निकली, मैंने यहाँ बाहर यानी कि विक्की का फिर पैटर्न फॉलो किया, तो मुझे लगा कि भाई ये तो वाकई में यही कह रहा है, और बिग बॉस ने जो मुझे समझाया था वो वाकई में ज़बरदस्त समझाया था। तो यहाँ जिस तरीके से मनारा ने समझाने की कोशिश करी है अरुण को, वो जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि विक्की के गेम के पर्दे खोल दिए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि अरुण उनकी बातें मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, कि आपको भी मनारा का यह अंदाज़ पसंद आया या फिर नहीं, आप हमें कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर वाकई में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूरी कर दें, और बिग बॉस से जुड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।